नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। देखिए दिन भर की प्रमुख खबरें। होशंगाबाद जिले में हो रही लगातार बारिश से निचली बस्तियों में हो रहा पानी का भराव। पानी जमा होने के कारण ग्राम बाबरी के धूमसिंह यदुवंशी का मकान की दीवार गिर गई और वहीं एक 8 साल की बच्ची खेल रही थी जो की बाल बाल बची। वहीं होशंगाबाद जिले के बारगी बांध और तवा डैम के गेट खुलने से नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, कई निचली पानी भर रहा है। शासन प्रशासन की जहदोजहद से कई ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से 2 गाय 2 बछड़े बीच नर्मदा जी के टापू पर फंसे थे। ग्रामीणों ने रेस्क्यू शुरू कर चारों जानवरों को अपनी नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। ऐसे जावाज और ग्रामीणों को आज की आवाज न्यूज इंडिया का सलूट। देखिए सिवनी मालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। आपका नाम? जी मेरा नाम संतोष कुमार यदुवंशी। क्या समस्या है आपकी? जी सर, ये नर्मदा पाथी जो रोड बना है उसमें पुलिया ना डालने के कारण घरों में पानी घुस गया और रात में हमारी ये दीवार गिर गई। एक बच्ची उसमें दब गई थी। हमने ईंट, हमारे आसपास के लोगों ने आकर के उसकी ईंट हटाई और उस बच्ची को निकाला। अच्छा, और शासन प्रशासन से कोई आपके सुध लेने आया? शासन प्रशासन के बाद में सुबह अभी तहसीलदार साहब आए थे, हमारे गांव के सचिव भी आए हुए थे। उन्होंने भी हमें फिलहाल में रुकने के लिए हमारी भोजन व्यवस्था की है उन्होंने। अच्छा, कहाँ पर की भोजन व्यवस्था? ये गांव में एक मंगल भवन है, वहाँ पर रुकने के लिए उन्होंने बोल दिया है। हमसे तहसीलदार साहब ने भी बोल दिया है, सचिव साहब ने भी बोल दिया है। सर, बाढ़ की क्या स्थिति है अभी? बाढ़ की जैसा कि जानकारी है, बरगी के और तवा के जो डैम गेट खुले हैं इसके कारण हम लोग सब निचली बस्तियों में और नर्मदा नदी अन्य नदियों से लगे हुए क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। अभी तक मैं 20-25 गांव में घूम चुका हूं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर ऐसा लग रहा है कि बारिश और कंटिन्यू होती है, पानी बढ़ता है, निचली बस्ती को शिफ्टिंग कराया जाएगा। अभी हालात सामान्य है। सर, कई जगह पर पानी का भराव हो रहा है और कई मकान भी ढह रहे हैं, प्रशासन इस पर क्या मतलब प्रबंध करेंगे? हमारी पूरी टीम कंटिन्यू संपर्क में है। जहां पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है शिफ्टिंग के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। स्कूल खाली है हमारे यहां और इनके भोजन रुकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। नरसिंहपुर जिले के बरमान नर्मदा तट पर बाढ़ का कहर जारी। डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों का पलायन जारी। लगातार बढ़ता जल स्तर और सचेत करता प्रशासन, सुरक्षित स्थानों पर जाते लोग। प्रशासन ने नर्मदा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिले में छुट्टी घोषित कर दी है। स्कूल खुले रहेंगे और पूरा जिला प्रशासन अलर्ट पर है और सभी से आपदा में फंसे लोगों को सहयोग करने की हिदायत दी जा रही है। नरसिंहपुर जिले के बरमान से राजा राम पटेल की खास रिपोर्ट।